पवन भाई एकदम सूत्र बताए ना सूत्र, यह सूत्र है भाई, जब जनता जागरूक हो जाता है ना तभी जाएगा विकास होता, तभी जाएगा समाज का कल्याण। का संदेश बा पवन भाई अपने गांव वालन के? खड़ा हो गया, बैठा है का? एकदम सोवा है, सोवा है, बैठा है भैया। अरे मार सोवा है, कोनो ख्याल ही नहीं बा। अच्छा चल रहा हुआ? हाँ हाँ, जब ख्याल ही नहीं बा, कुछ भी जोन भी चल रहा है बस चल ही दे, अब जोन हो जावा हो, जोन हो रहा है हो ही दे बस। अच्छा, और ये सोचा सोचबा कि बस प्रधानी आ जाए, चुनाव आ जाए, बदल दे भाई, कहीं कितना बदले है, बदले से कुछ नहीं होगा, प्रधान बदले से कुछ ना हो, प्रधान बदले से कुछ ना हो, बाद में रहूं वही वही काम करेंगे, जो आगे वाला प्रधान आए वो ऐसे भ्रष्टाचारी रहे, जब डर आए लोगों को लगे कि लोग खड़ा है, समझदारी आएगी, होगा संगठित है लोग, ये चीज बर्दाश्त न करेगी, लोग चेंज होगी। जब प्रधान ही जान ली अब भ्रष्टाचार जनता बर्दाश्त न करे तब भ्रष्टाचार न होए, लेकिन ये सोचे कि अब चुनाव आए तो प्रधान बदल दे भाई तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो ये न खत्म होए। पवन भाई एकदम सूत्र बताए ना सूत्र, यह सूत्र है भाई, जब जनता जागरूक हो जाता ना तभी जाए के विकास होता, तभी जाए के समाज का कल्याण होता, अब नहीं तो फिर बदलत रहा सत्ता पे कुर्सी पे, तो बदलत रही लोग, अच्छे अच्छे लोग आई ही और वहाँ कुर्सियाँ बैठते मन काला हो जाए, सिस्टम वही खराब रहे, जनता का मूड ऐसे ही ऑफ रहे, तो जब कहते थे ना जहाँ भेड़ देखा थी ना मनाई तहाँ हाई 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 कही के एक साइड कह दी थी, लेकिन जब शेर देखा थी ना तब मजबूरी होता कि भैया बचाव कर, तभी लोग अपन व्यवस्था कर रहे थे, तो शेर बना शेर, और जब शेर बनबे तब प्रधान का कुछ ना करी करबो करी ना तो नहीं पता बा कि बघई भगई का कह दिन के बघई उछाल लेंगी, हाँ भगई उतार लेंगी, तो जब यहाँ प्रधान के पता चल जाए कि बघई भगई उतार लेंगी तब प्रधान कहीं भैया जौन योजना ले आओ थी वो ईमानदारी से दई दे, जौन केंद्र से चला राज्य से चला योजना ओके दई दे, ना ही तब हालत खराब कर दे। अब ये सोच के बैठा रह ऊपर से बदला हुआ है, ऊपर वाला कौन है? अच्छा, चाहबन कहे कि लोग सही मुद्दा पे खड़ा हुए, ऊपर से ऊपर से ऊपर से बदलाव न आए, नीचे से आए, तुम्हारे घर से आए, प्रधानी से आए, गांव से आए, परिवार से आए, बदलाव वहाँ से स्टार्ट हुए तब परिवर्तन हो पाए, ऊपर से बदलाव न आए, बदलाव ऊपर से न आए, बदलाव जनता से आए, बिल्कुल। और ऊपर वाले जो अधिकारी है SDM PSDM जो कुल बैठा है सिस्टम में, वो तो चाहत हन कि जनता ऐसा रहे एकदम सुत एकदम सोई रहे, कोनो मुद्दा पे बात न करे, और ना ही तो पता चले कि जौन पैसवा योजनावा वाले प्रधान पहुंचाए के दे थीन, और लोग जौन सिस्टम बैठा है जेकरे माध्यम से पैसवा आवता तो वो पैसवा बंद हो जाए, कबौन चाहिए कि केवो आवाज उठावे, केवो अपन हक लड़ाई लड़े, ऐसे योजना बढ़िया बढ़िया योजना आवत हैं, बताओ था यार कि महिलाओं के प्रति, बच्चन के प्रति, खेल के प्रति, सड़क के प्रति, फुटपाथ के लिए, सोलर लाइट के लिए, अनेक जौन शहर में जितनी योजना चलत है उससे 10 गुना ज़्यादा गांव के विकास के लिए केंद्र से पैसा पास होता, राज्य से पैसा पास होता, अधिकारी कई योजना में उठावत हैं, और ओके दिखाऊबो करथिन कगजे पे, विश्वास न करब। अबे तो सरकारी पैसा काम नहीं पाता, ऐसा ऐसा गांव है लोग गांव वाले मदद एकत्रित हो के गांव के बदले खाते इतना उठा के हैं, इतना बदल चुका बा कि वो बिजली बनावत है अपन खुद का, सरकार के बेचत है, भारत सरकार के बेचत है, गांव वाले ऐसा कुछ काम करत है कि स्वयं बिजली बना के बेच रहा है और अपन इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल एकत्रित ही इकट्ठा हो कारण हो सही बात है। जब उही गाँव में पला है दब्बू वाले गाँव में, तो दब्बू वाले गाँव में पल के जब तू हम तक गह है तो दब्बू वाला सिस्टम हमेशा, और जब देखे है कि हमारा प्रधान खाए बा, हमारे सदस्य खाए बा, हमारे का कहते चौकी वाला इंचार्ज खाए बा, अधिकारी खाए बा, तो कहबा हम तो वही आई गए, तब वही सिस्टम पे जब तू बैठ जाब पढ़ाई लिखाई गई के तो करबा का वही करबा।
अरे पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भैया ने पोस्ट यही कारण हुआ कितना पढ़ी ले पढ़े कहते ना किताब समझदारी नहीं है और समझदारी गुरु जी कहन कितना तू पढ़ी ले कबीर दास एक तो नहीं पढ़े रहे एक तो पढ़े तो नहीं पढ़े रहे उन्हें से समझदार कि उनका दुनिया का ज्ञान उनके पास अगर ज्ञान इकट्ठा एक कहती है तो उनका ज्ञान एक कहती अब वह समय में आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुआ कुछ भी तुम जाने कुछ भी तुम समझे बा विज्ञानी कितना तर्क हुई हुआ बटे लेकिन गाँव वालों को हमारी हालत देख कैसे समझाई ऐसे समझाओ समझाए इकट्ठा हो काम ना हो पाए इकट्ठा हो ही पड़े सबके हाँ हम नहीं कहते कि हमारे लिए इकट्ठा अपने लिए इकट्ठा हो यार अपने लिए घोषित होके हम अपने लिए इकट्ठा हो इकट्ठा हो क्या कैसे गांव का विकास किया जाए कैसे भ्रष्टाचार बंद किया जाए ओकर जैसे हम जो तरीका सोचे थे कि प्रधान की जाँच हो अधिकारी की जाँच हो इसके तुम तुम्हारे पास कोई आइडिया तू आइडिया बताओ आप कि कैसे खत्म किया जाए समझ मिलजुल के एक ग्रुप बनाए के सही से खत्म करके आए कि विकास करेगा भैया आज जुड़वा काल जुड़वा जुड़वा है आपका है कि सबके विकास करके आगे बढ़े कि सबके लालसा बा बस पता नहीं कितना समय लगाई रही कितना देर तक इंतजार कर रहे पता नहीं कौन से महात्मा का कौन से इंसान का इंतजार कर रहे पता नहीं कि आएगी जगह कि तबे जगह अपने से खड़ा नहीं हो चाहते इतना नामर्दी बा अब का कही रही नहीं नामर्द कहावत बुरा मान जाइए गांव वालन नामर्द नहीं है कुल मिलाए कि वो हनुमान जी वाली बात बा कि हनुमान जी कहे ना ही इतना बड़ा समुद्र कैसे हम पार करब तब जामोहन तो कहन कहन नहीं जगाएन तो तोहके जगावत है ने बिल्कुल और बाकी करे कि तोह ही के बा एक आदमी कहाँ कही पाए एक आदमी कहाँ कही पाए एक आदमी से कुछ ना हो पाए एक दूसरे से जुड़ के और इसे हमसे जुड़ रहे आपस में कितना भी छोट माँ ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो लेकिन हैं लोग दिल से लगा हैं दिल से लगा हैं उनके कुछ उत्थान हो बहुत ज्यादा उनकी ना फायदा ना हो हाँ फायदा ना हो उनके बहुत ज्यादा जानकारी ना हो लेकिन वो दिल से लगा हैं कि विकास हो जाए और ओकरे लिए हमसे तोहे संगे है या लड़ब जा नेक विचार लेके चल विचार नेक बाटे तो हर एक चीज सीखा जा सकत है हर एक चीज समझा जा सकत है और हर एक चीज हो सकत है अगर तहां नेक विचार बाटे और यही विचार बाटे कि गांव के एकदम विकासशील बनावे को एकदम एकदम लग्जरी लग्जरी गांव लग्जरी गांव लग्जरी एकदम अबे तो लोग उठा में जी रहा है यार पाषाण काल में पानी खाना उन्हीं में चल रहा है ना फिर लग्जरी समझो लेकिन का व्यवस्था हो सके लग्जरी के समझेंगे समझ ना पाओ जबकि देखा कौन चेकन हो पावा था मुंडा खाए पानी जो बाघ पिए लाया बाघ नहीं पी रहा है पी रहा है इनारा का पानी पी रहा है बिल्कुल बम्बा का छोड़ा हाँ जबकि देखा जाए कितनी बैक्टीरिया कितने बीमारी समझा था हरे गाँव में आरो लग गए कितना सब ठंडा पानी मिलता आरो लगा पा जांच होता होकर शौचालय एकदम धोआ माजा एकदम चमक रहा बा बढ़िया बढ़िया हर एक कोने पे बना बाटे डस्टबिन बना हुआ है बढ़िया खेले के मैदान बाटे बढ़िया स्कूल बाटे हर एक सुविधा दिया गया बाटे बहुत सारा हो सकता है लेकिन अब सब लगा था बस पानी खाना एक आवास अरे सरकार तो खेले कूदे भी पैसा भेजा था बिल्कुल बिल्कुल और खा ले गया है कुछ और आ सकता रहा जब ऊपर आगे बढ़ावा जाए तब ना कौन सी हो पाए सही बात कदम दौड़े की व्यवस्था हो पावा था गांव वालन के रोजगार भी मनरेगा के माध्यम से मिला था मनरेगा बहुत छोटा काम बा अच्छा अच्छा अब कुटीर उद्योग वगैरह सरकार देता था प्रधान चाहे तो अच्छा सा नहीं कुछ 20-25 थे वही गाँव में बिजनेसमैन तैयार हो जाए बिजनेसमैन और उनसे अगर कोनो भी चीज तैयार होते दूसरे से जुड़े हमसे एक जन लोग पावे चाहिए रहे ना आज कितना है हजारों संख्या में दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा में अपने गांव देश वाले हजारों लोग हो गए गोलगप्पा वाले गांवों में ऐसे योजना अगर आवे ना हेर के सरकार का देश का ले आओगी बा कौन प्रकार से लागू करोगी बा कुछ सरकार के माध्यम से लेके कुछ चंदा लेके हर चीज किया जा सके जौन राय देते हैं विचार देते हैं असल में एकदम फिट देते हैं डेरान बा जाति की ठाकुर हैं तो वो गुप्ता हैं तो काहे लड़ी गुप्ता हैं तो भाई हम छोट जतिया है अरे नहीं जात पात तो पवन भाई तो रच्चा हुए 1% मनबा ही नहीं करते गांव समाज इंसान के भलाई के लिए सारा योजना प्लान बनाई रहा है आप सबका राय सहयोग साथ बहुत जरूरी बा और आप के राय साथ सहयोग के माध्यम से ही आप सबका भला बाटे बिल्कुल
और ना ही तो यहाँ प्रकार से केवल प्रदेश का आस लेके तू बच्चे पढ़े जाते हैं, तैयारी किए जाते हैं, बस जाए के बाद कहाँ प्रदेश, कहाँ जाए के बाद इलाहाबाद जावे, बहुत जावे, भदोही जावे, बम्बई जावे, दूसरे दूसरे राज्य जिला बदलत है, कमाई के रास्ता हेरत है, लेकिन गांव में काका संभावना हो सकत है, काका कह सकत है, साथ में मिल के काका व्यवस्था कह सकत है, ऊपर तो आपके विचार नहीं जाते, एकदम डरान है। कहा जा सुना कि वहाँ के आपके कतो काम करावे बैठे, कोनो मजदूरी करावे बैठे, तो वो तो बिहार का आदमी बहुत बढ़िया काम कर। हाँ, बिहार का आदमी सबसे ज्यादा बिहारी ISPCS है। हाँ, सबसे ज्यादा गरीब बहू है, बताओ काहे कुआं से लोग निकल गए हैं, वही गांव कैसे कितना कमा, बाहर जाए कमाबा, ऊपर उठा ना उ ना होए, अपने गांव में तक रोजगार, अपने गांव में तक उठा ना फैले, ऊपर आगे ना बढ़े, तो बाहर कमाए कुछ ना हो पाए, अपने गांव बढ़ावे पड़े। सुने तो हाँ, हम सुने है कि बिहार बड़ा ISPCS वाले हैं, लेकिन बिहार का है गरीब, फिर जब इतना ISPCS सब है, काहे की सब बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, और बाहर निकले से गांव का विकास, क्षेत्र का विकास नहीं होता है, अपने क्षेत्र में रह के अपने योजना पे जो करत है, जो आगे बढ़ता ओके साथ मिल के आगे बढ़ावा, करे बात देख सब बदल जाए, बिल्कुल सब बदले और जरूर बदले, बिल्कुल। अब आज पवन भाई, आकाश भाई, अखिलेश भाई और हम आज मुलाकात किया, यहाँ विषय पे बात किया कि गांव के लिए का योजना लाई लिया जा सकत है, नौजवान से निवेदन करे भी था, आज ये वीडियो बनावा जाता, अगर आपके पास तक ये वीडियो पहुँचा पाती है, दिए हुए नंबर पे आप फोन कर ले पवन भाई के, और फिर यह जगह हमारा नंबर, बात कर, चर्चा कर, राय सलाह ल, मित्रता बढ़ावा, तब जाए के आगे कुछ किया जा सके, बिल्कुल ठीक बा। हमें उम्मीद बा कि आप सब अगर ना ही फोन करे चाहता, ना ही हर चीज़ कर चाहता, वीडियो के शेयर करब और लाइक करब, जैसे भी हो सकता आप सब जुड़े, और कुछ लोग अगर सामने आए के नहीं जुड़े चाहते हैं तो जरूर सपोर्ट करे, कोनो ना कोनो प्रकार से बदलाव हुए, गांव का विकास हुए, और जरूर हुए, ज़्यादा दूर का हमू नहीं है, अरई से सटा हुआ टेला, टेला के बाद क्यों नहीं, तो एक गांव बीच में बसावा था अरई टेला बस, ओके बाद डाक कापे के गांव का है, और जितना योजना आवत रहे सब समझत है, और हर चीज़ जानत है, राय सलाह सबके दे ले लिया जाए, आप सब हमके राय सलाह देब, तो आगे फ्यूचर के लिए कुछ तैयारी होए। और हमको लगा था गांव में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा प्लान है गांव के लेके, हाँ, कि कैसे गांव को था हो सकता, हाँ, आपके गांव के नौजवान बड़े टैलेंटेड हैं भाई, उनके चाहा था कि वो बताओए, हाँ, अपन राय रखे, हाँ, उन्होंने बताओ कुछ हम बताई, हाँ, मिलजुल किया जाए, हाँ, और आप अगर बहुत आपके पास हम था हो कि हम गाँव कैसे बदलब ऐसे करब, वो चीज वही रह जाए, फिर हाँ मन को भाव मन में रह जाए, फिर गाँव के लिए फायदेमंद न हो तो ठीक नहीं बा। आप सब अपन अगर राय रखे हो तो राय नहु के द। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।